नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश पर राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। राजधानी रायपुर में कैशियर से दिन दहाड़े 10 लाख की लूट, बाइक सवार 3 लुटेरे ने दिया वारदात को अंजाम। चेनाब नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत होने की आशंका। तेलंगाना सड़क हादसे में हुई मौतों पर पीएम मोदी ने जताया शोक, पीड़ित परिवारों के लिए 2 लाख मुआवजे की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद सीपीएम ने शाहीन बाग के विध्वंस के खिलाफ याचिका वापस ली। आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश, फसलों को हुआ नुकसान। पप्पू यादव ने तेजस्वी के भूमाए कार्ड पर बोला हमला, कहा आरजेडी ने सबसे ज्यादा किया भूमिहारों का नुकसान। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा, एक परिवार एक टिकट पॉलिसी पर हुआ मंथन। पंजाब में चरणवार तरीके से धान रोपाई के फैसले से नाखुश है किसान, बोले पैदावार में आ सकती है गिरावट। राजस्थान में दुष्कर्म मामले में फंसे मंत्री के बेटे की बड़ी मुश्किलें, पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच हुई शुरू। नवनीत राणा की शिकायत पर संसद की विशेषाधिकार समिति करेगी जांच, थोड़ी देर में होगी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के पूर्व स्टाफ के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किया केस, बीजेपी से टीएमसी में हुए शामिल। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ऐसा भी फोकस, विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के घर लगाया नेम प्लेट, ऐसा 3000 घरों पर लगेगा। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में बनेंगे कृष्णा कुंज, जन्माष्टमी से आरंभ होगा वृक्षारोपण। बूढ़ा तालाब धरना स्थल को बदलने के फैसले पर युवा मोर्चा ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, नारेबाजी कर आदेश वापस लेने की मांग। पेपर लीक कांड पर जीतन राम मांझी ने आरजेडी को दिलाई राबड़ी राज की याद, कहा तब सीएम हाउस की कठपुतली थी बीपीएससी। बंगाल बीजेपी एमएलए असीम सरकार, बाल बाल बचे, ट्रक ने खड़ी कार में मारी टक्कर, विधायक सहित कई घायल। असम के तामुलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले यहाँ हिंसा का दौर खत्म, बोडोलैंड की जनता को बनाएंगे सशक्त। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून पर सुनवाई, केंद्र ने कहा प्रावधानों पर किया जाएगा पुनर्विचार। पंजाब में पटियाला हिंसा मामले में आरोपी बरजिंदर परवाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, संप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का लगा आरोप। दिल्ली में 12 से 22 तक होगा वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी होंगे शामिल। विशेष तैनाती के लिए सऊदी अरब पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।